मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मंगलवार को 632 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों पर भी हमला बोला। देश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, समित वाल्मीकि जी, श्री बसंत त्यागी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तवतिया जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बुलंदशहर के सभी उपस्थित बहने आज एक ओर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहने यहां एकत्र हुई हैं, वही नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है, एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 14 से पहले 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे, भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो